देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्या है। मान लो हमारे पास ए बी और सी है, रेशो दिया हुआ है एल एम एंड एंड, ठीक है। इसे स्टेप से न लिखते हुए हम लोग कैसे लिख दें जैसे अब तक तो लिखते आ रहे थे, ठीक है। ए रेशो बी रेशो सी अगर दिया हुआ है, एल रेशो एम रेशो एन अगर ये दिया हुआ है, और हमें पता है अमाउंट ए का अमाउंट, इफ एस शेयर, शेयर लिख सकते हैं हम लोग, अगर ए का शेयर कितना है, अगर ए का शेयर हमने बोल दिया कि आर है और बी का शेयर पूछा जाए हमसे, सी का शेयर पूछ लिया जाए, तो क्या करेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे हम लोग, देखो यहां से देखते हैं। हमने इसे बना लिया एल एक्स, कैसे आ रहा है वो देख रहे हैं, ठीक है। एन एक्स ए का शेयर बोला गया ना, मतलब एल एक्स की वैल्यू कितनी है यहां पे, यहां यूनिट नहीं है। अगर एक्स नहीं होता यहां तो हम एल के सामने डंडी खींच के बता देते कि इतना है, लेकिन क्योंकि यहां पे एक्स है हम इक्वल टू लगाएंगे, आर एक्स बराबर आर बाई एल, एक्स बराबर आर बाई एल। जब एक्स बराबर आर बाई एल है और हमसे बोला गया है बी का शेयर, तो बी का शेयर कितना होगा, एम इंटू एक्स, अब एक्स की वैल्यू आर बाई एल, ठीक है। सी का शेयर बोला गया है एन इंटू एक्स, एन इंटू एक्स की वैल्यू आर बाई एल, ये आ जाएगा। सिंपल है भाई, यूनिटरी मेथड है। हम क्या करते आ रहे थे अब तक, L का शेयर दिया गया, मतलब L का यूनिट है R, A का कितना है R बाई एल, तो किसका बोला गया, M का बोला गया, ठीक है। एम आर बाई एल, एम बाई एल इंटू आर कर देंगे, यहां भी तो वही किया है, एम बाई एल इंटू आर, एम आर बाई एल, यहां भी एम आर बाई एल है। N के लिए बोला जाए कितना हो जाएगा, R बाई एल इंटू एम बोल देंगे, या फिर इसे ऐसे बोल दें कि R इंटू एम बाई एल, एन बाई एल, ठीक है। एन के लिए बोला गया है तो ये भी तो वही है, ठीक है। तो ये हम तक करते आ रहे थे, लेकिन ये हमारा फॉर्मूला है, क्लियर है इतना। एक्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अगर फॉर्मूला यूज करेंगे तो, डायरेक्ट जो रेशियो है, डायरेक्ट जो शेयर है वो रखेंगे हम लोग। ए का शेयर आर दिया गया था, इसका मतलब क्या है, एल रेफर्स टू आर, एल रेफर्स टू आर, तो 1 यूनिट बराबर आर बाई एल, रुपीज में बात करें तो आर बाई एल रुपीज, एम की बात करें तो एम का मल्टीप्लाई कर दूं, सारी की सारी चीजें यूनिटरी मेथड से आ रही है यहां पे, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला याद करना है आप लोगों को तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग क्या करेंगे यूनिटरी मेथड से आंसर निकाल के ले आएंगे, ये सारी चीजें यूनिटरी मेथड ही तो है। हो क्या रहा है यहां पे, ए का शेयर आर है, ठीक है, ए का शेयर आर है, मतलब एल की यूनिट आर है, एक की आर बाई एल हो जाएगी, एक की तो एम की कितनी हो जाएगी, एम इंटू आर बाई एल, यूनिटरी मेथड इजी है। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 7:5, ऑन डिमिनिशिंग ईच ऑफ देम बाई 40, द रेशियो बिकम्स 27:17, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज, दोनों नंबर के बीच का क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। मान लेते हैं वो रेशियो क्या है, ए रेशियो बी, किसके बराबर है ये, 7:5 के बराबर है। कहने का मतलब हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं, 7x:5x, अगर इस टाइप से करेंगे तो आसानी रहेगी हमें सॉल्व करने के लिए। 7x:5x ऑन डिमिनिशिंग ईच ऑफ देम बाय 40, मतलब हर एक को हमने क्या किया, 40 से कम कर दिया, मतलब ये 7x-40 कर दिया और दूसरे वाले को हमने 5x-40 कर दिया, तो ये जो रेशियो कहलाएगा ये किसके बराबर हो जाएगा, 27:17 के। अब यहां से x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू यहां पुट करना है और आंसर निकाल के ले आएंगे, ठीक है। अब किसी के मन में आ सकता है कि हम लोग क्या करें, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा ले, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन वहां से हमें ये चीज क्या हो जाएगी, और कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी, ठीक है, वो भी देख लेंगे हम लोग, लेकिन पहले बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं, हो रहा है नहीं हो रहा है। 17:7 कितना हो जाएगा, 119x माइनस 17 4 68, मतलब 680 हो जाएगा ये। 27 5 135x माइनस 27 4 108, और एक जीरो है यहां पे, क्या करें हम लोग, इसे यहां लेके आ जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 400 बचेगा, इसे आरएचएस में लेके जाएंगे तो बचेगा 16x, तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 कितने टाइम्स करें, 16 25 टाइम्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई 25। लेकिन पूछा क्या गया, डिफरेंस बिटवीन द नंबर, अब नंबर क्या है, 7x और 5x है,
क्या है 7x और 5x है यहाँ पे, 7x माइनस 5x पूछा गया हमसे। मतलब क्या पूछा गया यहाँ से, अगर इसे सॉल्व करें तो 2x, अब 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 25, मतलब आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 50, कितना आ जाएगा आंसर 50। अब देखो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन वहां से थोड़ा सा ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। देख लेते हैं कैसे करना है, मेथड सीखनी है ना हमें, देख लेते हैं कैसे करना है। देखो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर लगाई, यहीं से उठ के आएगी ये चीज, ठीक है, इतनी इक्वेशन तो हमारी पक्की है कि ये तो आना ही है। अब यहां पे लगा सकते हैं हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो, 7x माइनस 40 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 40 किसके बराबर होगा, ये 27 डिवाइडेड बाई 17। अब देखो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाने का फायदा तब है जब हमारे पास या तो न्यूमरेटर में या तो डिनोमिनेटर में क्या चीज हो जाए, वो विदाउट एक्स रहे, मतलब हमें एक्स को ज्यादा बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़े, सिर्फ न्यूमरेटर में हो एक्स या डिनोमिनेटर में हो एक्स। ऐसा कब हो सकता है, जब एक्स के कोफिशियंट क्या हो, दोनों में इक्वल हो। तो कंपोनेंडो में हम लोग करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो में एड हो जाएंगे, ठीक है, और डिविडेंडो में माइनस होके जीरो हो जाएंगे वो, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहां से, अगर ध्यान से देखें तो यहां हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं न्यूमरेटर में किस चीज से, 5 से, तो ये 35 होगा। अब इसे 35 बनाने के लिए डिनोमिनेटर में 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर है इतनी बात। अगर ऐसा नहीं किया तो भी आंसर निकल के आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर हम लगा दे तो, ठीक है, या फिर डिविडेंडो लगा देते हैं, सिर्फ डिविडेंडो लगा लेते हैं बाय यूजिंग डिविडेंडो। हमें क्या करना है, इनका यूज करके कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, ठीक है, इजी बनाना है। अब सिर्फ डिविडेंडो लगाया मतलब माइनस वन करना पड़ेगा हमें, ऊपर क्या करना पड़ेगा, एक चीज हमें क्या करना पड़ेगा, डिविडेंडो लगा दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना, यहाँ पे ए रेशो बी है, डिविडेंडो लगा दिया तो ए माइनस बी अपॉन बी हो जाएगा, तो इसमें से माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7x माइनस 5x तो हो ही जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2x हो जाएगा। बात समझ में आ गई कैसे हो जाएगा 2x, देखो सिर्फ डिविडेंडो लगाया हमने, 7x माइनस 40, अब ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे डिविडेंडो में, और ये हो जाएगा प्लस 40, सिर्फ डिविडेंडो लगाया और कुछ नहीं, ये आ जाएगा 5x माइनस 40, कितना आ जाएगा यहाँ से, ये चीज माइनस करनी पड़ेगी हमें, तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 17, 40 से 40 कैंसल, ये कितना आ जाएगा 2x, तो 17 टू जा 34x, ये कितना आ जाएगा 50x, और ये आ जाएगा माइनस 400, कितना आ जाएगा ये देखो 16x बराबर 400 आ जाएगा, जो कि यहां पे भी तो वही चीज आ रही थी, 16x बराबर 400, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। पूछा क्या गया है हमसे, डिफरेंस बिटवीन बोथ द नंबर्स, इसका मतलब 7x माइनस 5x की वैल्यू पूछी गई है, जो कि 2x होगी, 2 इंटू 25 विच इज इक्वल टू 50, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि हम लोग यूज करते जाएं, हमने पढ़ रखा है तो ऐसा नहीं करना है कि यूज करते जाएं, कहीं पे हमें दिक्कत आने वाली है अगर हमें ऐसा लगता है कि यहां से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि हमेशा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे, हम लोग बिल्कुल बेसिक मेथड से भी सॉल्व करेंगे। देखो यहां से बेसिक मेथड से जल्दी आंसर आ गया, लेकिन डिविडेंडो लगाने पे थोड़ा सा हमें टाइम लगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि यहां पे देखो नंबर्स कितना आ रहा है मल्टीप्लीकेशन में, 1080 आ रहा है, 680 आ रहा है, 119 आ रहा है, लेकिन यहां पे कॉम्प्लिकेशन नहीं है कुछ भी, मल्टीप्लीकेशन अगर नहीं भी आता है तो आसानी से क्वेश्चन बन पाएगा, ठीक है। अभी ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि यहां पे हमने डिविडेंडो लगाया, कंपोनेंडो लगा भी सकते थे तो उससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वहां पे हम लोग करते हैं एडिशन, वहां पे करते हैं हम लोग क्या एडिशन, तो ये 12x हो जाता और ये माइनस 80 हो जाता, तो हम कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन को बना लेते, ठीक है, खुद ही कॉम्प्लिकेट कर लेते क्वेश्चन को, ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक है। तो जिस चीज का जहां पे यूज होगा वो हमें समझना पड़ेगा कि किस चीज का हम लोग यूज करके इक्वेशन को ईजी बना सकते हैं, क्लियर है। तो ये था पहला तरीका, बिल्कुल बेसिक मेथड, और ये यहां पे हमने किसका यूज किया है, डिविडेंडो का यूज किया है। टू नंबर्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:2, इफ 4 इज एडेड टू ईच नंबर देन दिस रेशियो बिकम्स 9:4, इफ 5 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द ओरिजिनल नंबर देन द रेशियो ऑफ ए एंड बी विल बी।
हमसे बोला गया है कि आप हमें रेशो बताइए कि उन ओरिजिनल नंबर में से जिनका रेशो 5:2 था उनमें से अगर हम 5 को माइनस कर देंगे दोनों नंबर्स में से तो जो रेशो आएगा वो क्या आएगा। अब सबसे पहले उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसके लिए हमें नंबर पता होना चाहिए, ठीक है, कि वो नंबर कौन कौन से हैं। मान लो ये है ए रेशो बी, कितना हो जाएगा ये 5:2। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स लगा देंगे, हम लोग इस टाइप से सॉल्व करेंगे, बात समझ में आ गई, इसी टाइप से सॉल्व करना है, एक्स लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है, नहीं तो बाद में क्या होगा, कंफ्यूजन होगा हमें फिर। अब बोला क्या गया है, अगर 4 सब्सट्रैक्ट ऐड करेंगे हर नंबर में, इसका मतलब क्या है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 9:4, ठीक है, तो 4 ऐड कर दो, ये रेशियो है हमारे पास, आप इसमें 4 ऐड कर देना है दोनों में, तो रेशियो हो जाएगा 9:4, क्या हो जाएगा रेशियो, 9:4। अब आसानी से इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, है ना, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 20x+16=18x+36, तो यहां से इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10, x की वैल्यू आ जाएगी 10, इसका मतलब वो नंबर कौन कौन से रहे होंगे, a रेशो b, वो नंबर कौन कौन से रहे होंगे यहां पे हमारे पास, ये आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा 20, देखो इनका भी रेशो क्या आ रहा है, 5:2 आ रहा है। अब क्या करें, 5 माइनस कर दें अगर हम, तो रेशो बताना है, 5 माइनस करने के बाद रेशो क्या आ जाएगा, 50-5 और ये 20-5, ये आ जाएगा 45/15 which is equal to 3:1, या फिर ऐसा लिख सकते हैं हम लोग a रेशो b बराबर 3:1, कितना आ जाएगा आंसर, 3:1, बिल्कुल जो जो कंडीशन दी गई उन्हीं को अप्लाई करना है, वहीं से हमारा आंसर निकल के आएगा। पहले रेशो दिया था हमने 5x 2x, माना 4 ऐड करने के बाद रेशो ये बनेगा, x की वैल्यू निकाला, मतलब हमने क्या निकाला, a और b की वैल्यू निकाल ली, अब उसमें से -45 करेंगे और b में से भी -45 और रेशो ले लेंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, क्लियर है बात। द रेशो बिटवीन अ 2-डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर, मतलब एक 2-डिजिट का नंबर है हमारे पास, अगर उसका रेशो ले लें हम लोग किसके साथ, उन 2 डिजिट्स का जो कि क्या है उस नंबर में इंक्लूड है, एक होगी वंस प्लेस की क्योंकि 2 डिजिट है, एक होगी वंस प्लेस की और एक होगी टेंस प्लेस की, तो उनका जो रेशो रहेगा वो आएगा 4:1। इफ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 4 मोर देन द डिजिट एट द टेंस प्लेस देन द नंबर इज, देखो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अगर हमें कंडीशंस दी जाती है और हमें ऐसा लगता है कि हम आसानी से नंबर निकाल सकते हैं तो हम लोग कहां जाएंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे। यहां क्लियरली क्या बोल दिया, देखो पहली चीज तो ये समझो कि जो टेंस प्लेस पे है, डिजिट्स एट द यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट्स एट द टेंस प्लेस, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास वंस प्लेस, जो 7 वाली लाइन है ये क्या है, ये वंस प्लेस, और ये क्या आ जाएगी, टेंस प्लेस आ जाएगी। अब क्वेश्चन को देख के कैसे करना है, ये वाला जो वंस प्लेस है ये किससे ज्यादा है, टेंस प्लेस से 3 ज्यादा है, अब देखो ये 3 ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ठीक है, तो यहां से पता नहीं लगा सकते। दूसरा तरीका, एक और कंडीशन दी गई है, बोला गया है कि द रेशियो बिटवीन अ 2-डिजिट नंबर, मतलब वो 2-डिजिट नंबर इनमें से कोई रहा होगा, इनका रेशियो इनमें से कोई एक नंबर ऐसा है जिसका हम लोग क्या करें, मान लो वो नंबर 47 है, तो अगर हमने लिख दिया 47, तो 47 किससे डिविजिबल करेंगे, अगर हम सम ऑफ द डिजिट्स मतलब 4+7 से, 4+7 से करेंगे तो ये जो रेशो आना चाहिए, ये आना चाहिए 4:1, बात क्लियर है। तो हमें ढूंढना है इनमें से ऐसा कोई नंबर, एक कंडीशन हमने देख ली कि सभी में सेटिस्फाई है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम रिजेक्ट कर देते ऑप्शन को, बात आती है इस चीज की। अब इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है, 47, यहां तो क्लियरली हमने सॉल्व किया, क्या 47/11 होगा, क्या 4:1 आएगा, क्या नहीं, क्या 69, अब मतलब 69/15, 69, अब इसका मतलब क्या, देखो नीचे जो नंबर रहा होगा उससे ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा तभी ये 1 आ गया यहां पे, बात समझ में आ रही है, अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो पाता तो यहां 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर आता जो कि क्या होता, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता डिनोमिनेटर में, 69/6+9 मतलब 69/15 कितना आ जाएगा, ये 4 point something आएगा, बात समझ में आ रही है, नीचे 1 आना चाहिए ना, तो कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी पूरा कैंसिल आउट नहीं होगा, बचा 36/3+6 36/9 कितना आएगा, 4 4/1 आएगा ना, तो ये हो सकता है हमारा आंसर,
इसे देख लेते हैं, 25 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7 मतलब 25 डिवाइडेड बाय 7 क्या होगा, 4:1 नहीं होगा, तो 36 इज द आंसर। कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस में हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, आसानी से ऑप्शंस देख के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें अगर हम बेसिक तरीका देखें सॉल्व करने का तो क्या रहेगा, देखो मान लेते हैं वो नंबर कौन सा है, ये जो x और y है ये क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, वंस प्लेस पे है y और टेंस प्लेस पे है x। इसे हम लिखना चाहें तो और क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसे लिख सकते हैं हम लोग टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स प्लस वाई, बात समझ में आ गई। कैसे लिख सकते हैं, मान लो हमारे पास 26 है तो इसे क्या लिख सकते हैं, टेन इंटू टू, टेन इंटू टू देखो x वाली प्लस 6 तो ये कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो x इंटू वाई अगर यहां पे क्या हो जाता, एक एच और लगा देते या कोई भी हम लगा देते वेरिएबल, तो वो हो जाता 100 इंटू, अगर a होता तो 100 a प्लस 10x प्लस y, मतलब फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना प्लेस वैल्यू को, बात समझ में आ गई। अब बोला क्या गया है, इफ द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस, मतलब जो y है इज 3 मोर देन x, एक कंडीशन तो ये y बराबर कितना है x प्लस 3, y बराबर x प्लस 3। दूसरी कंडीशन दी गई क्या गई है, द रेशियो बिटवीन अ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट का नंबर क्या है, हमने लिखा एक्स वाई एंड इट्स सम मतलब x प्लस वाई कितना है 4:1 है। अब x इंटू वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझ रहे हैं, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है ये पूरा एक नंबर, इसे ब्रेक नहीं कर सकते हम लोग, ब्रेक करना है तो ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते x मल्टीप्लाई बाय वाई, ये क्या है एक नंबर है, इसे कलेक्टिवली हमें लिखना पड़ेगा, तो इसे लिखेंगे हम 10x प्लस वाई और ये x प्लस वाई, ठीक है, ब्रेक किया हमने, वो ब्रेक करना है इसी टाइप से, क्लियर है इतनी बात। अब देखो कितना आ जाएगा ये 10x प्लस वाई और ये आ जाएगा 4x प्लस 4y, इधर लेके आएंगे तो 6x बराबर कितना आ जाएगा, 6x बराबर 3y, तो y बराबर 2x, y बराबर 2x, तो y बराबर जब 2x आ जाएगा तो इसे यहां पे पुट कर देंगे अगर हम लोग तो क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू x प्लस 3, तो x बराबर आ जाएगा 3, मतलब जो टेंस प्लेस पे है वो तो 3 है, इसके बाद तो क्यों यहीं से आंसर लगा सकते हैं, संतुष्टि नहीं मिलती है तो क्या करें x की वैल्यू फिर यहां पुट कर दें तो कितना आ जाएगा y बराबर 2 इंटू 3 6, मतलब वो जो नंबर है वो कौन सा है x y है और ये क्या है नंबर 36, 36 क्या रहेगा करेक्ट आंसर। लेकिन क्या ये बेस्ट तरीका है या डायरेक्ट सॉल्व करने का बेस्ट तरीका ये वाला, इसी टाइप के क्वेश्चन में अगर हमसे बोला जाए कि वो आप नंबर बताइए और कंडीशन दी गई हो तो हम इस टाइप से सॉल्व करके देख लेंगे किस पे ये कंडीशंस, दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है, क्योंकि ये जो सेकंड कंडीशन है ये चारों पे अप्लाई हो रही है लेकिन जो पहली कंडीशन है वो सिर्फ सी वाले ऑप्शन यानी कि 36 पे अप्लाई हो रही है, तो हम उस ऑप्शन को क्या करेंगे करेक्ट मार्कअप कर देंगे। A sum of rupees 125 is divided among A, B and C in such a way that A gets 10 rupees more than B and B gets 5 rupees more than C. What is the ratio of their shares? हमारे पास सम है मतलब टोटल अमाउंट है 125 रुपए का, उसे डिवाइड करना है ए बी और सी में, इस टाइप से डिवाइड करना है कि ए के पास बी से कितना ज्यादा हो 10 रुपए, बी के पास सी से कितना ज्यादा हो 5 रुपए, तो हमें बताना है कि वो रेशियो क्या हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शंस पे, देखो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि ऑप्शंस को अगर हम देख लें तो हमारा आंसर निकल आ सकता है। कैसे, हमने सोचा कि भाई 125 रुपए यहां पे कम ज्यादा की बात हो रही है, यहां भी कम ज्यादा की बात हो रही है, लेकिन ये क्या है इंटीजर नंबर से हमारे पास 10 रुपए का अंतर है ना, 5 रुपए का अंतर है, ये क्या है इंटीजर से हमारे पास, तो हमने एक ऐसा हमने दिमाग लगा लिया कि यार 125 को इस टाइप से डिवाइड करें कि वो क्या हो इंटीजर में आए आंसर, बात समझ में आ गई, क्या है इंटीजर में आंसर दे के आए। लेकिन अगर हम ऑप्शंस को देखें तो देखो 12 प्लस 10 कितना होगा 22, 22 प्लस 31 है ना, 22 प्लस 9 कितना होगा 31, अब 31 आ गया हमारे पास, क्या ये 31 से डिविजिबल है, क्या ये 31 से डिविजिबल है, अगर डिविजिबल होता तो ये डिफरेंस इंटीजर में नहीं आते, क्या ये 31 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, तो हमने रिजेक्ट कर दिया। 13 प्लस 7 कितना होगा 20, 20 और 30, क्या ये 30 से डिविजिबल है, नहीं है।
5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, क्या 12 से डिविजिबल है? नहीं है। 10 प्लस 8 18 प्लस 7 25, क्या डिविजिबल है? हाँ, मतलब पॉसिबिलिटी ये है कि यही आंसर होगा। अब चेक कैसे करना है, मान लो यहां पे 25 टोटल क्या है, देखो 25 यूनिट है, ऑप्शन चेक कर रहे हैं हम लोग, 25 यूनिट है, मतलब ये 125 रुपए के बराबर होगी। तो एक यूनिट किसके बराबर होगी? ये होगी 5 रुपए के बराबर, 5 रुपए के बराबर। ए के पास कितना है, बी के पास कितना है, सी के पास, ये आ जाएगा 10, 8 और 7। एक यूनिट की वैल्यू 5 है तो 10 की 50 रुपए, 8 की 40 रुपए, 8 5 से 40, 7 5 से 35 रुपीस। ठीक है, अब देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हमारी, ए गेट्स 10 रुपीस मोर देन बी, भाई बी के पास 40 है, ए के पास 10 ज्यादा है 50 है, बी गेट्स 5 रुपीस मोर देन सी, हाँ सी के पास 35 है, बी के पास 5 ज्यादा है, मतलब 40 रुपीस है। इस टाइप से हमें सोचना है, क्योंकि एग्जाम में इतना टफ क्वेश्चन नहीं देगा कि सॉल्यूशन हमें पूरा करना पड़े, क्योंकि उसे भी पता है कि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें टाइम कम कंज्यूम करवाना है ताकि सारे क्वेश्चन क्या हो, बन पाए। ठीक है, अब यहां से हमने देखा कि भाई एक यूनिट की वैल्यू 5 रुपए है, तो एबीसी का रेशियो कितना आ जाएगा, 10:8:7। अगर इस टाइप से नहीं करना है हमें, ठीक है, इस टाइप से नहीं करना है तो हम कंडीशन लिखनी पड़ेगी, हमें क्या करना पड़ेगा कंडीशन। देखो ये तो क्या था, बेस्ट तरीका था, यहां से आसानी से आंसर निकल के आ जाएगा, क्लियर है? मतलब हमने देख लिया ना यहाँ पे कि डिविजिबल हो ही नहीं रहा है तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, नहीं तो यहाँ पे पॉइंट में आता, जब पॉइंट में आता तब हमें सोचना पड़ता कि हाँ ये आंसर हो सकता है जिसमें कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर हमें करना है तो ये है ए, ए गेट्स 10 रुपीज मोर देन बी, बी से 10 रुपए ज्यादा है, एंड बी गेट्स 5 रुपीज मोर देन सी, बी गेट्स 5 रुपीज मोर देन सी, बात समझ में आ गई? और ए बी सी तीनों का सम कितना है, 125 रुपए, भाई तीनों को मिलके 125 रुपए मिलेंगे ना। तो एक काम करो, एक काम ये कर सकते हैं हम लोग कि यहां से किसी एक की टर्म में हम लोग आंसर निकालें, मतलब अगर ए की टर्म, हम एक काम करते हैं बी, यहां कॉमन है, बी की टर्म में निकाल लेते हैं, ए की वैल्यू बी प्लस 10 जो कॉमन है उसी की टर्म में निकालेंगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। सी की बी माइनस 5 इज इक्वल टू 125, कितना आ जाएगा ये 3b आ जाएगा, ये प्लस 5 माइनस 5 इधर जाएगा तो 120, तो बी की वैल्यू आ गई 40, भाई बी की वैल्यू 40 रुपए आ गई तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 प्लस 10 50, बी की वैल्यू 40 रुपीज आ गई तो यहां सी की वैल्यू कितनी आएगी, 35, 40 माइनस 5 35, तो रेशियो कितना आ गया, रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी की बात करें तो ए के पास कितने रुपए हैं, 50, बी के पास है 40, सी के पास है 35, कैंसिल कर देंगे 10, 8 एंड 7, यहां से भी निकल सकता है। ये कंडीशन देखी, यहां पे हमने ऑप्शंस देखे, ठीक है, यहां पे हमने कंडीशन के हिसाब से ऑप्शंस निकाल लिए, यहां पे ऑप्शन देके हमने कंडीशन चेक कर ली कि क्या ये कंडीशन इससे सेटिस्फाई हो रही है, और ये बेस्ट तरीका है। ठीक है, अगर ऐसा ऑप्शन आता है जो एक से ज्यादा में डिविजिबल हो रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, एक यूनिट की वैल्यू तो निकाल लेंगे वहां से, कंप्लीटली डिविजिबल है जैसे हमने यहां से निकाला, फिर हम लोग क्या करेंगे भाई, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 रुपए है, कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, 2 का, मतलब 10 का अंतर आ गया यहां पे, कितने का डिफरेंस आ गया भाई, एक की जो वैल्यू है, एक यूनिट की वैल्यू 5 रुपए, यहां अंतर 2 यूनिट का है, किसका, 2 यूनिट का है, मतलब 10 रुपए का अंतर है, यहां एक यूनिट का अंतर है, मतलब 5 रुपए का अंतर है। तो हमने देखा यहां से कि भाई ए 10 रुपए से ज्यादा है, क्लियरली दिख रहा है यूनिट ज्यादा है तो रुपए भी ज्यादा होंगे, यहां क्लियरली दिख रहा है 5 रुपए का अंतर है, मतलब 8 ज्यादा है, मतलब एक यूनिट ज्यादा है तो 5 रुपए का अंतर है, क्लियर है इतनी बात।